रहे हैं मीडिया श्रावस्ती न्यूज। तो इस वक्त श्रावस्ती से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां श्रावस्ती जनपद के कोना कस्बे के विवेकानंद इंटर कॉलेज में छात्रों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें दो छात्रों ने मिलकर एक छात्र को चाकू से गोद डाला। आसपास के लोगों ने आनन फानन में घायल छात्र को लेकर थाने पहुंचे, जहां से फिर उसे तत्काल इकोना CSC में भर्ती कराया गया। छात्र की हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रिफ़र कर दिया गया है। मामला इकोना के साईं मंदिर के पास बने विवेकानंद इंटर कॉलेज का है, जहां कक्षा 12 का छात्र साबिर अली का अपने ही दो साथियों से खूनी संघर्ष हो गया था। साबिर अली का कहना है कि उसको किसी ने पहनने के लिए एक कड़ा दिया था, जिस पर बाकी दो छात्र अनमोल व जितेंद्र हंसी ठिठोली लेने लगे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच गाली गलौज हुआ और जितेंद्र व अनमोल ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। साबिर के शरीर पर कई जगह चाकू के निशान दिख रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्राधिकारी व थाना अध्यक्ष कोना वकील पांडे भी अस्पताल पहुँच गए, जहाँ से घायल को बहराइच के लिए रिफ़र कराया गया है। पुलिस की टीम ने आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। हमला किया है बताओ? जितेंद्र यादव। तेज बोलो। क्यों हमला किया है, पूरी बात बताओ। यहाँ स्कूल में बात हुई, खाने के लिए चूल्हा दिया उसने पहनने के लिए, उसको पहन लेते तो बोला उसको भी पहन के हिंदू बनोगे। मैंने बोला क्यों मैं पहनूंगा। किस चीज से हमला हुआ है? चाकू से। मारा जिसने, उसका नाम बताइए। अनमोल शुक्ला। कितने लोग थे? दो लोग। जितेंद्र यादव। कहाँ बस स्टॉप पे रहते हैं? लालपुर।